31 दिसंबर की मध्य रात्रि माता वैष्णो देवी जी के दरबार में भगदड़ मचने से एक बहुत ही पीड़ादायक और एक कष्टदायक घटनाक्रम हुआ है। चूंकि 31 दिसंबर वर्ष का आखिरी दिन होता है और हर वर्ष माता रानी के दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालु 31 दिसंबर को आते हैं और ताकि नव वर्ष के आगमन के दिन वो माता रानी के चरणों में प्रणाम करके माँ का आशीर्वाद लें, ताकि आने वाला वर्ष सबके लिए अनेकों प्रकार से खुशी और मंगलमय हो। माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में जो भगदड़ हुई, वहाँ कुछ श्रद्धालुओं में कहा सुनी हुई और उसके बाद वहाँ ये अप्रिय और दुखद घटना हुई, जिसमें 12 के करीब लोगों की जाने चली गई और दर्जन भर से लोग ज़्यादा घायल हैं। घायलों का उपचार यहाँ माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में चल रहा है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस राहत और बचाव कार्य को मॉनिटर कर रहे हैं। सुबह स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे भी बात की और यह दिशा निर्देश दिए कि हम सबको, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, राहत तथा बचाव कार्य में प्रशासन का, पुलिस का और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करना है। हमारे कार्यकर्ता भी घटना स्थल पर पहुंचे और उसके तुरंत बाद हॉस्पिटल में रक्तदान, ब्लड डोनेशन और अन्य किसी भी प्रकार का जो प्रभावित लोगों को सहयोग चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। जिन लोगों की जाने चली गई इस भगदड़ में, उनके परिवारजनों को भी हर प्रकार से जो हमसे सहयोग है हम कर रहे हैं, उनके परिवारजनों से हमने संपर्क किया है। जो घायल हैं और उपचाराधीन हैं, उनके परिवारजनों से भी हमने संपर्क किया है, प्रशासन ने भी संपर्क किया है। हर प्रकार का सहयोग प्रभावित लोगों को हम कर रहे हैं।